अरे आ गया मेरा बेटा कुणाल, खेल कूद के आ जा आ जा आ जा आ जा। दादू ये शुगर सिरप क्या होता है? अरे पानी में मिला हुआ चीनी का सॉल्यूशन होता है, तो तू क्यों पूछ रहा है मुझसे? अरे नहीं, वो आज मैंने खेलने के बाद राजू के घर गया था, उसकी मम्मी ने वहाँ शुगर सिरप यूज करके झट से नींबू पानी बना दिया। शुगर मिलाने की तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। कोई नहीं, मैं तुझे दिखाता हूँ और सिखा भी देता हूँ, चल मेरे साथ किचन में अंदर। ये देखो, ये हाफ बॉटल चीनी मैंने इस पैन में डाल, अब तो हाफ बॉटल पानी ले। ठीक है। मैं कहाँ हूँ, क्या करने वाले हो मेरे साथ? अरे ये मीठी सी खुशबू किसकी है? आहा, ये तो चीनी है, बहुत मजा आने वाला है। अब हाफ बॉटल पानी और हाफ बॉटल चीनी, अब ये इसमें। क्या हाफ बॉटल चीनी हाफ बॉटल पानी में डिसॉल्व हो पाएगी? मुश्किल है, लेकिन अगर मैं शुगर वाले पानी को गर्म करने रख दूं तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। करो करो जल्दी गर्म करो, पानी को चाहिए ही क्या, बस चीनी की मिठास और गर्मी का एहसास। वाओ, ये तो पूरा डिसॉल्व हो गया। यही तो गर्म करने का कमाल है, अगर लिक्विड को ज्यादा गर्म किया जाए तो और ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व कर लेता है। कुछ सॉलिड डिसॉल्व कर लेता है मतलब? अरे जैसे अभी हुआ, पानी एक लिक्विड है, जब उसे गर्म किया तो उसने ज्यादा चीनी यानी सॉलिड को डिसॉल्व कर लिया। इसी तरह किसी भी लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो वो ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व कर लेगा। बढ़िया है, क्या अब इसका नींबू पानी बना लूं? अरे जरा सबर तो कर, इसे ठंडा तो होने दे। अरे नींबू और चीनी से मिलने को तो मैं भी मचल रहा हूँ, पर पहले थोड़ा आराम कर लेने दो मुझे। ये ठंडा हो गया है इसीलिए मैंने इसे बॉटल में डाल दिया, और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। पर दादू ये तो बहुत कम बना है ना? अरे फर्क समझो यार, मैं कम नहीं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। कम नहीं है, बहुत दिन चलेगा। फिर भी हमने तो हाफ बॉटल चीनी और हाफ बॉटल पानी डाला था ना, तो फिर तो इसे फुल बॉटल बनना चाहिए। ये तो फुल बॉटल से बहुत कम है। अच्छा दिमाग तो सही लगा रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है। पर क्यों दादू? अरे यही तो सॉल्युबिलिटी का एक और कमाल है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये है वाटर जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और जब कोई चीज़ पानी में डिसॉल्व होती है तो वो अपने आप ही इन स्पेसेस में सेटल हो जाती है। इसी कारण अगर तुम हाफ बॉटल शुगर को हाफ बॉटल पानी में डालो तो शुगर एक्स्ट्रा जगह नहीं लेगी, बल्कि पानी के बीच में ही सेटल हो जाएगी। बेटा दिल बड़ा हो तो जगह आराम से बन जाती है। अपनी प्यारी दोस्त चीनी को हम बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बीच जगह दे देते हैं। हाँ ठीक है, पर मेरा शुगर सिरप तो हाफ बॉटल ही रह गया ना। अरे कोई बात नहीं, ये भी बहुत दिन चलेगा। One, two, three, four, five, और ये six. तो अभी हमने समझा कि शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह में जाके सेटल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी के पार्टिकल्स के बीच आखिर कितनी जगह होती है,
कि शुगर के पार्टिकल्स उसके बीच जाकर सेटल हो जाए। क्या शुगर के पार्टिकल्स के बीच में सेटल होने से यह जगह भरती नहीं? और बाय चांस भर भी जाए तो ऐसा कोई तरीका है जिससे इसे बढ़ाया जा सके? इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।